हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टिप टॉप स्टिचिंग चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो हमारी बची हुई लेसेस हैं उनसे हम डिज़ाइन किस प्रकार से क्रिएट करें, जो हमारी लेसेस हैं उनसे हम किसी भी सूट, ब्लाउज एट्सेट्रा में हम उसे किस प्रकार से यूज़ करें, आज यही टॉपिक रहेगा हमारा इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं कि हमें ये जो बची हुई लेसेस इसे किस प्रकार से काम में लेना है। इससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार हमारे चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर से प्रेस करें, जिससे हमारी जो नोटिफिकेशन है सीधे आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ब्लाउज़ का बैक पार्ट है। इसमें हम इसकी जो डिज़ाइन है वो यूज़ करने वाले हैं। इससे पहले ये जो हमारा नेक है, ये देखिए हमने बैक में जो नेक काट रखा है वो इस प्रकार से हमने काट रखा है। ये हमारा गोल नहीं है, ये हमने थोड़ा सा ब्रॉड में वी शेप में कटिंग कर रखी है। दोस्तों, अगर आपको हमारे ब्लाउज़ की कटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारा इससे रिलेटेड वीडियो पहले से ही अपलोड हो रखा है, आप वहाँ से हमारी इसकी जानकारी ले सकते हैं कि ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग किस प्रकार से की जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब क्या करते हैं, ये हमारा ब्लाउज़ था, इसको हमने आयरन के थ्रू अंदर की तरफ इस प्रकार से हमने फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, हमने यहाँ पर ये हमारा थोड़ा सा घुमाव था, हमने यहाँ पर हल्के हल्के नोचेस लगाए हुए हैं ताकि जब इसको हम इस तरीके से आयरन करें तो ये स्प्रेड हो जाए और यहाँ पर झोल नहीं खाए। इस प्रकार से हमने इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। दोस्तों, अब क्या करना है, हम इसमें कुछ कंट्रास्ट देने वाले हैं। ये वाला हमारा ड्यूपिन का फैब्रिक है, इस फैब्रिक का हम इसमें कॉम्बिनेशन डालने वाले हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा कपड़ा था हमने इसको एक तरफ साइड से इतना फोल्ड कर लिया है। ये हमारा तकरीबन हमने 5.5 इंच इस तरीके से हमने फोल्ड किया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से क्रीच बना लेनी है और इसे एडजस्ट करते हुए जो हमारा ब्लाउज का बैक पार्ट है उसे इस तरीके से हमें अरेंज करना है इसके ऊपर। ये जो हमारा नेक है उसे अच्छे तरीके से अरेंज कर लेना है। इस तरीके से अब हमें जो हमारी ये शेप है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें मार्किंग कर लेनी है। हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हमें इसकी मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से। ये देखिए, हमने मार्किंग कर ली है, ये हमारा यहाँ पर फिक्स आ गया है। यहाँ पर ये जो हमने ये वाली मार्किंग की है ये हमारा नेक फिक्स है और जो हमने ये वाली मार्किंग की है ये हमारा एक्सेस दबाव है। अब हमें क्या करना है, जो हमारी ये लेस है हमें इसको इस तरीके से देखना है कि हमारी लेस कितनी चौड़ी है, ठीक है। उसी के हिसाब से हमें यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए हमें इसकी फिर से मार्किंग करनी है इस तरीके से। अब हमारा यहाँ पर जितना डिस्टेंस है, ये देखिए, ये हमारा 2 इंच का डिस्टेंस है, तो हम ये 2 इंच का डिस्टेंस है वो पूरा सब जगह इस तरीके से हमें मार्किंग कर लेनी है। अब हमें जो ये वाली हमने मार्किंग की है ठीक इसी मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग करनी है और जो हमने ये बाहर वाली मार्किंग की है ठीक इसके ऊपर हमें कटिंग करनी है। ये देखिए, ये हमने कटिंग कर ली है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये वाला कपड़ा है जो अंदर वाला गला है उसे हमें ठीक उसी प्रकार से इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है। जो हमारा ये दबाव है हमें इतना दबाव हमें आयरन के थ्रू या आप सिलाई के थ्रू इसको अंदर फोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए, जो हमारा ये वाला फैब्रिक था हमने इसको अंदर फोल्ड करके और इन दोनों को अरेंज करके इसके टॉप पे हमने स्टिचिंग कर ली है।
और ये हमारा इस पर स्टिच हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जो हमारी ये लेस है, ये वाली लेस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा ये सेंटर आ रहा है, यहाँ से हम लेस को चेक करेंगे कि हमारी ये लेस जो हमारा इसका ये बूटा है वो यहाँ पर कितना आ रहा है। ये इस तरीके से हमें अरेंज करनी है, ये इस तरीके से आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका एक बूटा इसको इस तरीके से खिसकाएंगे और इसको इस तरीके से सेंटर करेंगे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसके ऊपर एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से अरेंज कर लीजिए, और जो हमारा ये वाला फैब्रिक है इसको फिर हमें इस तरीके से अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करना है। पहले हम इसके ऊपर कच्ची सिलाई लगा लेंगे, इस तरीके से। ये देखिए, ये हमने इसके ऊपर कच्चा कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये एक्सेस कपड़ा है, हमें इसको, ये जो हमारी लेस है इसके अकॉर्डिंग हमें इसको फोल्ड करना है, इस तरीके से, इस तरीके से। और हमें यहाँ पर नोक की सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से हमने यहाँ पर टॉप की सिलाई चलाई थी उसी प्रकार से हमें यहाँ पर नोक की सिलाई लगा लेनी है, इस तरीके से, जो हमारा ये पूरा सर्कल है, इस पूरे सर्कल में। ये देखिए, हमने यहाँ पर इसकी स्टिचिंग कर ली है बिल्कुल फिनिशिंग से। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर, यहाँ से हमें इसके ऊपर सेम इसी के अकॉर्डिंग हमें इस प्रकार से स्टिचिंग कर लेनी है। स्टिचिंग करने के बाद में हमें जो ये रफली सिलाई की थी वो हमें हटा लेनी है। ये देखिए दोस्तों, जो हमारा ये इस टाइप का जो हमारा सर्कुलेशन है, हमने इस पर इस तरीके से स्टिचिंग कर ली है, ये देखिए। और जो हमारी यहाँ पर रफली स्टिचिंग थी वो हमने हटा दी है। तो दोस्तों, ये देखिए, बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम मटेरियल के अंदर हमने इतनी सुंदर और बेहतरीन डिज़ाइन हमने क्रिएट की है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह डिज़ाइन बहुत पसंद आई होगी और यह वीडियो भी आपको बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों, इसी बात पर हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हम फिर आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में और एक नई जानकारी के साथ में। तब तक बने रहिए हमारे साथ में और आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।